हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदितिस फूड एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तवा पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। जब आपका कुछ ना मन करे खाने का तो आप ये बनाइए और मज़े से खाइए। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो मैंने अपना शॉर्ट डाला था बिरयानी एंड पुलाव कमिंग सून, तो ये उनमें से नंबर वन पुलाव है, तवा पुलाव। फ्रेंड्स, मैंने इसको रायता और ग्रीन चटनी के संग सर्व किया है। ये दोनों के संग बहुत ही टेस्टी लगता है। रायता मैंने खीरा एंड कोरिएंडर का बनाया है। आप अगर अनियन गार्लिक खाते हैं तो उसमें अनियन भी ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं, इनको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैं इनको बॉईल करूँगी, तो मैंने यहाँ 3 गिलास पानी चढ़ाया है। इसमें मैं 1 तेज़पत्ता और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दूँगी। पानी हमारा अच्छे से खौल गया है, इसमें अब हम जो हमने चावल भिगोए थे वो ऐड कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पुलाव बनाइए तो उसके चावल हमेशा 75% कुक करिएगा। 25% पुलाव बनते टाइम कुक हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो वो एकदम भरता हो जाएंगे। चावल हमारे कुक हो चुके हैं, अब हम इनको छान के निकाल लेंगे। यहाँ पैन को मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैं अब 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स असली फ्लेवर तो तवा पुलाव का बटर के साथ ही आता है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो बटर जल जाएगा। फ्लेम को लो रखेंगे। बटर जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने 2 ग्रीन चिली जो मैंने फाइनली चॉप करके रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ 1 कैरेट फाइनली चॉप करके रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। 1 कैप्सिकम को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट डालने से फ्रेंड्स जो वेजिटेबल्स होती हैं वो जल्दी फ्राई हो जाती हैं। इसे बहुत ज़्यादा कुक मत करिएगा, क्योंकि पुलाव में क्रंची फ्लेवर अच्छा लगता है वेजीज़ का। अब मैंने यहाँ 1/2 कप बॉयल मटर ली है, मटर को मैंने बॉयल कर लिया था वो ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटो को कट कर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐसे ही चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए, टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला फ्रेंड्स तवा पुलाव में ज़रूर पड़ता है, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट बढ़ता है, इसी से इसमें फ्लेवर आता है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद 2 मिनट तक और हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का 1 आलू लिया है, उसको टुकड़ों में काट लिया है। हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे और मिला देंगे अच्छे से। इसके बाद 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से हम चावल को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेगा ताकि चावल टूटे ना। अब हम यहाँ चावल में थोड़ा सा पानी के छींटे डालकर लो फ्लेम पर इसको ढक कर कुक होने देंगे। फ्रेंड्स, जब तक चावल कुक होते हैं, चलिए तब तक हम इसका रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप कर लिया है, उसको मैं हैंड बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ 1 छोटा सा टुकड़ा खीरे का फाइनली चॉप करके रखा है वो ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ दही का मसाला लिया है, ये फ्रेंड्स मैं घर में ही बनाती हूँ। ये मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। कोरिएंडर ऐड करूँगी और मिक्स कर लूँगी। बढ़िया रायता एकदम तैयार है खाने के लिए। इधर हम देख लेते हैं, हमारे चावल भी कुक हो गए होंगे। चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे चला देंगे और गर्मा गर्म पुलाव खाने के लिए रेडी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से कोरिएंडर की गार्निशिंग कर दूँगी। उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, ये आ गए हमारे गर्मा गर्म पुलाव। फ्रेंड्स, ये रखा है मैंने लेमन, जो लेमन डाल के खाना चाहें वो खा सकते हैं। ये आ गया रायता हमारा और
मैंने ग्रीन चटनी भी साथ में दी है। फ्रेंड्स इसके साथ खाने का मज़ा ही अलग है। चलिए अब टेस्ट करके बताते हैं। ये मिलाया मैंने रायता साथ में चटनी, बहुत टेस्टी बनाए फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, गुड बाय।